सत श्री अकाल दोस्तों, तुहानू उस मुंडे नाल मिलाउण जा रहे हैं जिसकी असी इंटरव्यू की सी। बिल्कुल धर्मप्रीत की हूब हू कापी इहनू कहा जा सकदा। पिछे जे बाई ने धर्मप्रीत के गीत सुनाए से, बहुत ही सोहनी लोगों ने इंटरव्यू पसंद की सी। 14-15 लाख के व्यू गए से इंटरव्यू के। बहुत लोगों ने कमेंट किए कि शायद धर्मप्रीत आने वाला धर्मप्रीत जां अज दा धर्मप्रीत इस लड़के की आवाज़ के। सो दीप गिल जी, स्वागत है तुहाडा एमजी टेलीकास्ट चैनल में। की हाल ने? ठीक हो? बहुत वधिया। ओके, ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। मुंडा हैगा सी जी राजस्थान का, पिंड का नाँ सी 6MK। हाँ जी, पिंड का नाँ सी 6MK। तो सब तो पहला तो वड्डे वीर बहुत बहुत मुबारक तुहानू, तुहाडी जिहड़ी इंटरव्यू बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके दे नाल वायरल हुई। कोई 8-10 हज़ार कमेंट आया, सारे ने कमेंट दे विच तुहानू दुआवां दित्तियां। हर किसी ने कहा कि तुहाडी जिहड़ी आवाज़ आ धर्मप्रीत दे नाल दी आ। चलो किसी के विचार आ, किसी ने कहा कि उस तो भी खूबसूरत आ, है ना, जिवें किसी की सोच है, जिवें किसी नू जचदा है ना, उहदी सोच नू मुबारक आ। तां मैं चाहुंदा कि आपां फिर धर्मप्रीत दी ही आवाज़ दे नाल जिहड़ा आपां जिहड़ा किसी गीत की शुरुआत करिए, ते फिर आपां गल्लां बातां करदे आ। इश्क मुरीद मुरीद उस नां दा, ते ना संग दिल नू कोई खबरां। आए जाउंदे जी कोई हाल नी पुछदा, ते जग मोया पूजे कबरां, ते जग मोया पूजे कबरां। नी जदों कोल सी तू कदरां ना जानियां, हुण सज्जना गवाचिआं नू फिरे पालदी। साडी जिंदगी च करके हनेरा वैर ने, जिंदगी च करके हनेरा वैर ने, हुण फिरदियां कोलियां ते दीवे बालदी। नी जदों कोल सी तू कदरां ना जानियां, हुण सज्जना गवाचिआं नू फिरे पालदी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत पहला दी तरह ही खूबसूरत। सब तो पहला तो मैं दसो भी अज तुसी मेरे नाल दोबारा गलबात कर रहे हो, है ना, तो जिहड़ी पिछली इंटरव्यू दे विच उस तो बाद दे विच किन्ने क लोग जानन लग पे दीप गिल नूं? हाँ जी, पाँ जी भाजी, बहुत ज़्यादा जी। ओके, बहुत ज़्यादा मतलब? हाँ जी, हाँ जी, काफ़ी ज़्यादा कह सकते आप, इन्नी भी वीडियो वायरल हुई भाजी। जी जी, पिंड दे विच आले दुआले नाम बनिया कि हाँ भाई कोई दीप गिल नाँ का भी शख्स है, बेशक वो काम आ जिहड़ा वो चनाई दे मिस्त्री का करदा, बट वो गले के अंदर एक गायकी भी हैगी है, वो गले के अंदर धर्मप्रीत भी हैगा। हुण तां आले दुआले दुआले वाले पिंड जिहड़ा एक करी रौला पै गया होना। हाँ जी, हाँ जी भाई है। हाँ जी बिल्कुल जी भाजी। ओके ओके ओके। तो एक गीत आप होर सुनते हैं धर्मप्रीत, उस तो बाद खुलियां गल्लां बातें करांगे जी। कीनू दिल दे जख्म दिखाइए, किस कोले जा दर्द सुनाइए। कीनू दिल दे जख्म दिखाइए, किस कोले जा दर्द सुनाइए। पैसे खातर करी, पैसे खातर करी कुलंकित यारी सजना ने। दुश्मन भी ना मारन जो सट मारी सजना ने, हाय दुश्मन भी ना मारन जो सट मारी सजना ने। बहुत अच्छे, पहले की तरह ही खूबसूरत। दीप तुहाडे विच एनर्जी बहुत घट लग रही है, जिवें बंदे दे 16-17 लाख व्यू होए हुण, 10-10 हज़ार कमेंट लोगों दीआं दुआवां, है ना, 10-10 हज़ार बंदे दीआं, ते बंदा दे मतलब कि उठदा रहना चाहिए। तो तुसीं जिवें एनर्जी च लो लग रहे हो, की गल आ भाजी? उह पटके लोग हुंदे आ। किवें पटके लोग हुंदे? जिहड़े बंदे वी बंदे नूं इक सफलता मिलदी है तां हंकार च आ जांदे नहीं भाजी, अपने जो चीज़ अपने च कदे भी नहीं आऊगी। नहीं नहीं, हंकार वाली गल नहीं मैं कह रहा, पर चेहरे ते कोई नूर होवे यार कि इन्ने लोगों ने सुनिया, लोग पसंद कर रहे आ, लोग अपना रहे आ मेरी गायकी नूं, है ना। तो अच्छा, सपोर्ट करन वाले कोई चेहरे मिले कोई 2-4? हाँ जी भाजी, एक दो राइटर है जिन्होंने जी मेरे को मेरे कॉल गल करी जी। ओके ओके, किस तरह की सपोर्ट करन जा रहे हो भाजी? इन्नी नहीं, अपने गल हुई जी उन्होंने, बाकी हजे तक तो कुछ नहीं भाजी, बाकी देखो जी करनगे जी, कह रहे हैं जी। नहीं,
फाइनैशली सपोर्ट करे, गीत लैके आने, कला गीत ही देे कई ना कई राइटर, चलो राइटर बंदा एक राइटर को अपने को होंगे भी तो गीत ही है ना, तो सानू बहुत सारे राइटर के फोन आते हैं कि भाजी मैं ना इस बच्चे गीत देना चाहना, तो वह जोड़ा बच्चा हों आपदे आप ही इन्नी समर्था नहीं होंगी, वित्त नहीं होंगी भी वह कोई गीत जरा ऑडियो के पैसे ला सके, है ना, तो इसलिए वह गीत बेचारा रख के मोबाइल तो रिकॉर्ड कर लूगा, है ना, तो करके पूछा भी उस तरह का कोई गीत देन जा रहा तो अनु जां कोई तो प्रोफेसनली लॉन्च कर लगे गीत देके? नहीं भाजी हजे तक अपनी यह जी गल नहीं हुई जी, एवं आप कह दी भी अपनी कोई नाल खड़ा है ना, तो कह भी फोन तो अपनी गल हुई भी जी। तो परिवार कि खुश है? बहुत ज्यादा जी। यार दोस्तों ने पार्टी मंगी? हाँ जी हाँ जी। किस तरह की पार्टी मंगी? पार्टी भाजी हूँ आप गलत चीज़ें तो कर दें चलो मजाक करना बड़े भाई है ना, मूँह मिठा तो चलो गुड़ नाल भी हो जाए खाने नाल भी हो जाए भी पार्टी है, तो मैं चाहना किसी होर गीत का जायका सुनीए क्योंकि गल्लां पिछली इंटरव्यू बहुत हुई सी, इंटरव्यू करन दा जिहड़ा सबब बनिया वो सिर्फ इस करके बनिया कि दर्शकों के परसनली कॉल्स आई सानू कि भाई वध तो वध इस लड़के की सानू गायकी सुनाओ, असीं इहदी आवाज़ होर सुननी चाहुंदे आ, क्योंकि पता नहीं एक ऑडियो गाने दे नूं करन लगे आ बहुत पैसे लगते आ, जे तुसीं इंटरव्यू करोगे तो असीं उस इंटरव्यू के घट्टो विच घट्टो घट्ट 5-7-10 गीत अगले तो सुन सकते हैं, है ना, तो मैं चाहना कोई वधिया जिहा गीत आ जिहड़ा सुनाओ। दिल तेरे नाम मेरी जान तेरे नाम, तेरे नाल सुबह मेरी तेरे नाल शाम, आए गल मेरी क्यों नहीं मनदा माही वे, जिंदगी है तेरे नाल तू मेरा है प्यार, आ जा बे माही वे, मैनू तेरा इंतजार, जिंदगी है तेरे ना तू मेरा है प्यार, आ जा बे माही वे सानू तेरा इंतजार। अच्छा तुसी बहुत सोहरा जिहड़ा बहुत सोहना गीत सुना रहे सी, इह जिद्दां क्लासीकल गायकी भी तुसी पसंद करदे हो जां कि तुसी सिखी है क्लासीकल गायकी भी? हाँ जी भाजी मैं आह चीज़ां ज़्यादा गाउणा जी। अच्छा आह चीज़ां ज़्यादा गाउणा, इट मीन मतलब कह सकदे आ कि धर्मप्रीत दी आवाज़ दे विच लोकां ने तुहानूं पसंद कर लिया, चलो वधिया गल आ, पर असल तुसी रूहदारी गाउणे हो? हाँ जी। कुछ होर हो जाए यार, रूहदारी तुसी बहुत खूबसूरत सुनाई, बहुत खूबसूरत। साजन प्रीत लगा के दूर देश मत जाना, बसो हमारी नगरी में, मोहे सुंदर मुख दिखला जाना, मोहे सुंदर मुख दिखला जाना, ओ गदिया मिल सावर यार वे, मेरे लूलू चीख पुकार वे, ओ गदिया मिल सावर यार वे। ओ बहुत अच्छे। अच्छा दीप तुहानू लोकां ने पसंद किया धर्मप्रीत की आवाज़ दे विच, है ना, तुसी इस रूहदारी वाली गायकी दे शौकीन हो, आने वाले समय दे विच किहड़ा रंग जिहड़ा सानू प्रोफेसनली देखण नू मिल सकदा रूहदारी वाला जां धर्मप्रीत बाई दी आवाज़ च? ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਲੱਕ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਓਕੇ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੰਗਰ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਬਲ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ
ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਪਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਕਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦੀਪ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮਪ੍ਰੀਤ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪੈਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਹੰਕਾਰ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਲਕੋਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਨਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰ ਆ ਉਹ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ? ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਗਾਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣੀਦੇ। ਕੋਈ ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਮ? ਮੈਂ ਭਾਅ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਖਾਨ ਜੀ, ਮਾਸਟਰ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ। ਕੋਈ ਫਿਰੋਜ਼ ਖਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਹੈ ਯਾਦ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਵੇ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਂਡੇ ਜਦ ਕੋਈ ਜਾਵੇ, ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਰੋ ਰੋ ਦੇਵੇ ਦੁਹਾਈਆਂ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨੇ ਬਥੇਰੇ, ਜਿਸਨੇ ਆਉਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਦਿਸਣ ਹਨੇਰੇ, ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਆਉਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਵੇ। ਬਸ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਯਾਦ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਯਾਦ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ? ਕੰਟੈਕਟ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚੱਲਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈਨਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਬਾਈ ਦਾ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨਾਮ ਆ, 6 MK ਦਾ ਬਾਈ ਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ। ਬਾਈ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਦੀਪ, ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਿਉਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦੋ ਚਾਰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਹੈ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭਾਅ ਜੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ 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 ਬਿਲਕੁਲ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਉਹ ਥੱਲੇ ਬੈਡ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾੜਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਆਉਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਾਉਣੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੀਰੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਲੁਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਖਿਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਦੂਜੂ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਨਾ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋ ਚਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ, ਕਿਤੇ ਦੀਪ ਗਿੱਲ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਤੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਜੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਅ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਸਰ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਿਲੈਕਟਡ ਜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਟਾਈਮ ਲਾਓ,
है ना, अजे उन्हों का प्रोफेसनली कुछ नहीं आया, मार्केट से नहीं कुछ आया, मतलब ये क्यों क्यों हंकार आता है ना। पहला वो पहला की कहें, पहला कहें कि भाजी असी उन्हों चो नहीं, तुसी परख के देखो, जदों लोग पसंद करते हैं उदों उन्होंने जिहड़े दिमाग दे विच हंकार भर जाता, गुमान आ जाता, फितूर भर जाता, कि तुसी की सोचते हो कि कारण हो सकता है। कारण भाजी हुण पता की है, जिहड़ा मेरा जिहड़े साहब नाल मैं रह रहा जी, मैं कम कार करदा ना जी, उस टाइम जे ना गल होवे तां की कहना, पर जे आपां हुण फ्री हाँ गे तां गल जरूर करांगे जी। हाँ जी, कोई दूसरा हंकार तो नहीं आऊगा? नहीं भाजी, आप जेब जाएंगे योजी रहना भाजी। नहीं, परमात्मा करे तुसी इदां दे ही रहो, इंसान ही वह हों जो अपनी जी होंद के नाल जुड़िया रहे, जो अपने पैर छड़ा ना, जो सियाने कहें भी जी आतिशबाजी होंगी रौला पा के उपर जाती है ना, तो उन्नी ही जल्दी उत्ते पटाका मार के थले आँदी है, वह समा घट हों, जो जमीनी पद्धर जुड़िया हौली हौली कछू घूमे वाली चाल वाले लंबा चल चलता है ना। तो गल्ला बहुत हो गई, किसी गीत का सहारा लेंगे, धर्मप्रीत का गीत सुना की जी तुम ज़्यादा इच्छा रखोगे ज रूहदारी वाला? मैं जरूरदारी सुनाऊंगा। बेजा बेदरदा इस दिल बिचों, तेरी हर एक याद भुला देनी, मैं अपने सब अरमानां नूं अज आपे ही तीली ला देनी, खत टुकड़े टुकड़े कर देने, मैं साड़ देना तस्वीरां नूं, खत टुकड़े टुकड़े कर देने, मैं साड़ देना तस्वीरां नूं, जद तू ही नहीं ता की करने, तू ही नहीं ता की करने, एना कागज दियां जागीरां नूं, खत टुकड़े टुकड़े कर देने, मैं साड़ देना तस्वीरां नूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे दीप। कदे कदे ना इदां झलक पैंदी है भी तुसी थोड़ा बहुत साबरकोटी साहब दे भी फैन रहिंदे होंगे जां रहे होवोगे, है गल? बिल्कुल जी, क्या बात है, सही पकड़िया फिर तो मैं, क्योंकि ना तुहाडी जो कुछ हरकत ला रहे हो जो कुछ स्टाइल आ विच हल्की हल्की जिहड़ी झलक पैंदी है भी तुसी जां तां उन्होंने बहुत ज़्यादा सुनिया जां उन्हां दी भी कोई मतलब कि जिहड़ी छाप आ तुहाडे आवाज़ दे उपर, दिमाग दे उपर, दिल दे उपर है? बिल्कुल है ना, बिल्कुल। कोई कोई उन्हां दीआं दो लाइनां। अच्छा, मैं एक होर गल दसदा, समां बहुत हो चुकिया, इस गीत दे नाल आपां समाप्ति भी करांगे है ना, जिहड़ा भी तुसीं गीत सुनाउणा। अखीर आपां दो चार गल्लां इस गीत तों पहलां होर करदे आं। कॉन्टैक्ट दा आपां दस चुके हां भी असीं स्क्रीन दे उपर चलावांगे, दीप गिले दा नां, राजस्थान दे विच 6 MK पिंड आ। कोई होर तुसीं दर्शकां दे नाल कोई गल्लां सांझियां करनियां चाहुंदे हो, कोई प्रोग्राम मिलन लगे तुहानूं जां नहीं? नहीं भाई, हाले दिक्कत नहीं। ओके, कोई आले दुआले दे पिंडां विच, क्योंकि उस एरिए विच इदां दे काफ़ी प्रोग्राम होंदे आ, जागरण बहुत होंदे आ है ना। तां अच्छा मैं दस देना चाहुंदा यार कि आपां ही सपोर्ट करनी हुंदी आ, आपां लिख तां दिंदे आ कि बाई नूं अगे जाना चाहीदा, बाई दी सपोर्ट करो है ना, पर करनी किन्ने आ, अपने अर्गियां दे विचों हुंदी आ। जिवें असीं इहदी इंटरव्यू करके अगे लै के आए आ, सपोर्ट कीती आ, तुसीं वी कोशिश करिया करो जिथे किते प्रोग्राम हुंदा इहो जे किसे लोड़वंद नूं, ते हुनर वी है यार, हुनर भी है। मैं बिना किसी, मैं आपदे आप क्यों नहीं कहता मैनू प्रोग्राम से बुला लियो है ना, क्यों? क्योंकि मेरे विच नहीं उदा का हुनर है, उस बंद की ही गल करी दी आ जिहड़ा जे हुनरमंद है ना। तो मैं नहीं चाहुंदा कि जिहड़ा इहो जे हुनरमंद लोग आ, इहो जे हुनरमंद हीरे आ, वह हनेरा ही ढाउंदे रहन, मैं चाहुंदा भी वह चानण दे विच आ के अपना हुनर जिहड़ा बिखेरन, ठीक आ। तो जे हुनर तुहानू पसंद आउंदा तां साथ दिया करो, इंटरव्यू शेयर कर दिया करो, नंबर दे दांगे, जे कोई फाइनैशियली भी सपोर्ट करनी चाहुंदा तां जरूर करिया करो, जिम्मेदारी अपनी भी बनती है, तुहाड़ी भी बनती, सारयां दी बनती आ, क्योंकि बाद विच कहना बहुत सौखा हुंदा कि सपोर्ट करनी बनती आ, पर थोड़ी थोड़ी करिया करो यार है ना। जे फाइनैंशली नहीं कर सकते, इंटरव्यू शेयर कर दो, कोई प्रोग्राम ते बाई नूं इनवाइट करो, सपोर्ट करके अगे लैके आवांगे तां ही सपोर्ट होगी है ना। तां मैं चाहुंदा भी इस तों बाद चो गीत तों बाद जो तुहाडे भी दिल दे विच आ, जो तुसीं अपने दर्शकां दे नाल सांझा करना चाहुंदे हो, तुसीं दिल खोल के आपदा जिहड़ा जज्बात आ उह सांझे कर सकदे हो। आपां गीत सुणदे हां तुहाडे तों बाई साबरकोटी दी आवाज़ च। दिल नहीं लगदा तू जिस दिन दा हो गए अखियों ओले वे, तेरे दुख ए
आए दुख की दे खोलावे साथ गैरा दा तू हस हस मान वे सानू एने भी पराए ता ना जान वे साथ गैरा दा तू हस हस मान वे सानू एने भी पराए ता ना जान वे आसी की आया सी तिप तिप करके बे हंजुआ च रुड़ जावांगे असी कच्चे घरां दे बने रे बे हौली हौली खुर जावांगे हो असी कच्चे घरां दे बने रे बे हौली हौली खुर जावांगे। अच्छा मैनू ना साबर गोटी साहब का ये गीत मैं खुद बहुत सुनिया असी कच्चिया घर के बनेरे भी हौली हौली खुर जावे है ना मतलब एक अलग ही ओहरा क्रिएट हो जाता सी जो साबर गोटी भाजी साबर भाजी गाँवते है ना कुछ होर साबर भाजी का है पता नहीं तो मैं गल ही अखीर से छेड़ी आ मैं पता हों मैं पहला इंटरव्यू गल् घट करता गीत ज़्यादा सुनता साबर भाजी के कुछ एक दो पैरे कुछ भी है सुनाओ। हाँ जी भाजी एक गाँव बड़ा ही रोमांटिक गाँव से उन्होंने बड़ा फेमस हो सौन दा महीना होवे पैंदी बरसात होवे सज्जना ने आना होवे पहली मुलाकात होवे सौन दा महीना होवे पैंदी बरसात होवे सज्जना ने आना होवे पहली मुलाकात होवे एक दूजे नू सुनाइए हाल दिल दा एक दूजे नू सुनाइए हाल दिल दा एहो जा नजारा मित्रो फिर जिंदगी च गदे गदे मिलदा एहो जा नजारा मित्रो फिर जिंदगी च गदे गदे मिलदा। ये जेडे नज़ारे की गल कर रहे हो तुहाडा चेहरा कुछ होर दस रहा है कि नज़ारा माणिया तो नहीं नहीं भाई दी स्माइल आ जिहड़ी मेरे ख्याल च कुछ होर बयान करती सी। ते अच्छा दीप गिल तुसी अखीर बहुत खूबसूरत गल्लां होईयां अखीर जिहड़ियां दर्शकां दे नाल कुछ अपने दिल दे जज्बात आ दिल खोल के जिहड़ा सांझा करना चाहुंदे हो कर सकदे आपां भाई आ गल कहने वी अपने नाल खड़न जी जी ते अपनी सपोर्ट करन जिवें अग्गे करिए जी ऐं करना ना जी ते आपां जी जेब जे हैगे जी ऐवें रहांगे कदे वी हकार नहीं आऊगा अपने विच। हाँ जी भाजी बिलकुल जी आई गल्लां आपां जी बहुत ही कुछ कहना चाहते सी हो रही है मैं माइक पहला इधर। हाँ जी हाँ जी भाजी मैं कहना चाहता सी भाजी भी आप जी शुरुआत है ना जी शुरुआती करी जी आप अपने जागरण कर देंगे जी नहीं जी। हाँ जी थोड़ा बहुत जी मैं जाता रहा प्रोग्राम में जी जी कोई यहोजा प्रोग्राम भी आप जी कर दें जी करोंगे। हाँ जी बिल्कुल जी। हाँ जी बस जी आई गल कहनी चाहते जी शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा दीप गिल। सो दोस्तों तुसी देख सकते सी असी दीप गिल दे नाल बहुत ही खुलियां गल्लां बातां कीतियां ते बहुत ही खूबसूरत आवाज़ आ साबर कोटी भाजी के जिहड़े बाई ने बहुत सोहने गीत सुनाए धर्मप्रीत भाजी के खान साहब के ते बहुत ही खूबसूरत गीत सुनाए पेशे तो बाई चनाई का मिस्त्री आ बहुत सारी जिहड़ी इंटरव्यू पहला जिहड़ी बाई की शेयर हुई सी ते असी हर किसी के लिए दरख्वास्त नहीं करते होने चंगीयां आवाज़ों के लिए लोड़वंद लई ते हुनरमंद लई ही दरख्वास्त करते होंगे कि जी जी। हाँ जी भाजी मैं अपने दर्शकों को कहना चाहता सी भाजी जिम्मे मेरे भाई ने सपोर्ट करी है जी आई तुसी करो जी जी आ भाई का जी बहुत वड्डा हाथ है जी मेरे। हाँ जी नहीं बिल्कुल जी नहीं 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 देखो असी तुहानू पेश करन वाले आ मैं दीप नू सिखा थोड़ा दिता ये तो परमात्मा की रहमत आ तेरे ते भाजी पता की है हुण आपां कई सिंगरां नू फोन कर लिए जी गल ही नहीं करते है ना जे करदा तो कोई बंदा फालतू बोलता ना जी है ना जी कोई जज नाल गल नहीं कर रहा है ना उवें भाजी हुण भाई होरां दा भी थोड़ा भाजी बहुत वड्डा नाम है ना जी 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 पूरा एरिया पूरी दुनिया जानदी थोनू जी भाजी तो तुम अपने जी कॉल चक्की जी जिम मर्जी है ना जी किमें आप मैं थोड़े ना कॉन्टैक्ट कर भाजी थोड़ा भाजी बहुत वड्डा हाथ है जी जिन्ना भी हो सके भाजी भरा यार तू साडा कोई इदां दी गल नहीं हैगी अखीर मैं एक ही गल करदा कि बाई दू इंटरव्यू शेयर करो जे तुहानू लगदा कि बाई दी आवाज़ बहुत सोहनी आ तुसी चंगी तरह निरीक्षण कर सकदे हो पड़चोल कर सकदे हो बाई दी आवाज़ सुन सकदे हो जो असी हालात दसे आ घरे जाके तुसी बाई दे देख सकदे हो सारा कुछ सही आ तुसी नंबर जिहड़ा स्क्रीन दे उपर तुहानू देख रहे तुसी बाई नाल डायरैक्ट कॉल कर सकदे हो फाइनैंशियली मदद कर सकदे हो इंटरव्यू शेयर कर सकदे हो जे तुसी चाहुंदे हो कि असी उदा दे ही गीत सुनने भी चार बोतल वोट का काम मेरा रोज़ का लक 28 47 वेट है ना फिर तो अपनी खुशी आ पर जे चंगियां गीतां सुनना चाहते हो चंगा सुनना चाहते हो कन्ना विच चाहते हो कि साढ़े बच्चों के कन्ना विच चंगा पवे तो चंगे ही गीतां तो चंगे ही कलाकारां प्रमोट करना पऊगा ये अपनी पहल के आधार पर करना पऊगा ज़्यादा समा ना लेंदे हो यही कहूँगा कि साड़ी जिहड़ी अज्ज दी जिहड़ी दुबारा वाली जिहड़ी मिलनी आ दीप गिल दे नाल तुहानू किस तरह लगी
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दस्यो। बाकी जे तुहानू इन्हां दी इंटरव्यू वधिया लगी है तां शेयर जरूर कर दिओ। इस तों इलावा मैं कहना चाहुंदा कि ज़्यादा समा ना लैंदिया होइआं अखीर दरख्वास्त करूँगा कि शेयरिंग दे विच कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जिहड़े साडे नाल भी जुड़े ने सानू भी फेसबुक ते देख रहे ने तां फॉलो कर लिओ, सबसक्राइब कर लिओ। जे यूट्यूब ते देख रहे हो ज़्यादा समा ना लैंदिया होइआं मैं भी तुहाडे तों इजाजत लैना जी। साडे नाल है दीप गिल, उभरदा गायक, कैमरामैन हरमन बैंस दे नाल मैं तुहाडा अपना होस्ट मनजिंदर सिंह फतेह कमान, MG टैलीकास्ट। शुक्रिया।